सो गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहा है, कितना हो रहा है? 3:15 और हम रेडी हैं क्योंकि हमें जाना है सनराइज पॉइंट पे। 4 बजे हमारी कार आएगी, हम 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। बट हमने प्लान तो ये किया था कुछ देर आराम से सोएंगे, बट हम सो नहीं पाए, नींद आई नहीं, हम जागते ही रहे। एक्साइटमेंट लेवल बहुत था। कैब देख रहे हो भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लग रही है। तो अभी कैब का वेट करते हैं, कैब आती है फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी लोग अभी सो रहे हैं, बाकियों को भी उठाते हैं, सबको रेडी कराते हैं ताकि लेट नहीं होना, क्योंकि अगर सनराइज हो गया फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहुंच गए हम टारगेट पॉइंट, लेकिन अभी 5:20 हुआ है तो काफ़ी अंधेरा है। 6:20 पे होगा सनराइज, तो अभी हमारे पास 1 घंटा है आराम से। तो थोड़ी लाइट आती है फिर कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। इधर हो रहा है सनराइज और इधर दिख रही है कंचनजंगा की पीक्स। ये एक गोप्रो हमने यहाँ पे लगा रखा है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा होगा, और एक गोप्रो यहाँ पे लगा रखा है, ये कैप्चर करेगा सनराइज को और ये कंचनजंगा पीक्स को ग्लो करते हुए कैप्चर करेगा। वेट कर रहे हैं सनराइज का और कतई इग्लू बने हुए हैं क्योंकि यहाँ ठंड है बहुत ज़्यादा। एक हाथ का ग्लव्स उतार रखा है कैमरा ऑपरेट करने के लिए, वो ऑलरेडी सुन पड़ रहा है, और पैरों की फिंगर्स फील नहीं हो रही बिल्कुल, पैरों की उंगलियाँ भी बिल्कुल सुन पड़ चुकी हैं, मेरे को तो फील ही नहीं हो रही है। उधर दिख रहे हैं कंचनजंगा पीक्स, मैं दिखाता हूँ कैमरा का एंगल चेंज करके। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे, पर बहुत ठंड है, हालत ख़राब हो गई, कुछ भी फील नहीं हो रहा उस लोगों को, तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, इसका तो चेहरा नीला पड़ रहा है। तो अभी यहाँ से जल्दी से भागते हैं, गाड़ी में पहुँचते हैं, हीटर चलाते हैं पहले। बहुत सारी वीडियोस टाइम लैप्स रिकॉर्ड हुए हैं, सारे 5-6 ग्लास वीडियो एंड तक पूरी देखना तो ही मज़ा आएगा। ठंड का अंदाज़ा इस कार पर जमी हुई बर्फ़ से लगा सकते हो, -2 टेम्परेचर है, हम ऐसे ही इग्लू नहीं बने घूम रहे हैं। और अभी हमें -13 में जाना है, -25 में जाना है, हमें -1 में जाना है। एक से एक भौकाल वीडियो आने वाली है। आई नीड टू नो हम लाचेन जा रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखना। लाचेन का पता नहीं, श्योर नहीं है, नाकुला श्योर है, मतलब अकॉर्डिंगली देखेंगे कि वहां का एटमॉस्फेयर और वहां पे क्या है। दो दिन से गंगटोक में काफी हैवी स्नोफॉल हुआ है, अगर ज्यादा स्नोफॉल हुआ तो नहीं जा पाएंगे। तो आपको मैं दिखा दूं, ये आगे से रैबिट है, पीछे से एलिफेंट है। रेल से हम वापस आ गए, बहुत ट्रैफिक था आते टाइम, 1 घंटा में करीब लग गया, 8:30 के अराउंड हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री, क्या मॉनेस्ट्री है, बुद्धा मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री है। और के नीचे देखते हैं सामने एंट्री गेट है इसका। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ के रोड, बहुत नैरो रोड है और बहुत ट्रैफिक है, ऊपर से टॉय ट्रेन की पटरियाँ भी हैं, तो बहुत जाम लगता है, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ कार में बैठना पड़ेगा सारे दिन। बस आ गए नीचे, ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी क्योंकि रात भर आधे सोए आधे जागे थे। तू तो शायद बिल्कुल नहीं सोया। मैं नहीं सोया। और बहुत बड़ी बीटी हुई हमारे साथ, और वो ये है कि जो कंचनजंगा देखने हम वहाँ गए थे ना, वो हमारे रूम के बाहर, मैं व्यू दिखाता हूँ अपने रूम के बाहर बालकनी का, विंडो खोलते ही सामने कंचनजंगा है, ये मैं जूम करता हूँ, ये देख रहे हो, यही है कंचनजंगा जो हम सुबह 4 बजे उठ के नींद ख़राब करने वहाँ से देखने गए थे। बट एक चीज़ है, यहाँ से कंचनजंगा तो दिख जाएगा लेकिन सनराइज नहीं दिखेगा ना। पास कर लिया है, अभी कैब वाले भैया ने बताया तो था कहाँ जा रहे हैं, अभी नीचे उनसे कंफर्म करते हैं, मुझे समझ नहीं आया तो नीचे जाके उनसे पूछते हैं, फिर अभी जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पहुँच गए हम जैपनीज टेम्पल, आई थिंक यही है टेम्पल,
जल्ला हमारी कमेंट्री ज़रूरत है। तो हम अभी आए हैं जस्ट, अभी घूमेंगे और देखते हैं, जितनी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको दिखाएंगे। और बस चैनल के साथ बने रहिए और एंजॉय। चलते हैं अंदर। चलिए अंदर। Wild like the wolves in the night. When you show me tenderness, love had me blind. Walk in the woods through your eyes. You are a mystery in a disguise. Moving like a whisper on the wind of this year. Forget what you told me, I'll make it out alive. Hold on to your memory, baby, if you hear me. I will find out where we came from. I keep my head held high, strong enough to live another. आ गए आज के हम थर्ड डेस्टिनेशन। पहला था जो अर्ली मॉर्निंग गए थे, टाइगर हिल्स। दूसरा था जैपनीज टेम्पल, जहाँ पे बुद्धा की मॉनेस्ट्री भी थी और बुद्धा टेम्पल मॉनेस्ट्री और टेम्पल। एंड आज के जो थर्ड स्टॉप है वो है टी गार्डन। चलिए, दार्जिलिंग का वर्ल्ड फेमस टी गार्डन। आ गए आज के हम चौथे डेस्टिनेशन पे, जो है जू और म्यूजियम भी। म्यूजियम एक और चीज़ को ही बताया, तीन चीज़ बताया अंदर उसमें, तो जाके पता चलेगा। फिलहाल जू और म्यूजियम है, ये कंफर्म है, दो तो कंफर्म है। तीसरा क्या है उसे अभी सस्पेंस रखते हैं, एज हमें भी नहीं पता है, बट जाके पता चलेगा। सो और मुझे चिड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही दिख रही हैं। माउंटेन गोट मरखो सारे भेड़ बकरियाँ दिखाए जा रहे हैं, वैरायटी की अलग अलग थे। कुछ नहीं है, पैसा बर्बाद, एनर्जी बर्बाद एनर्जी ज़्यादा बर्बाद, चढ़ा नहीं जा रहा। होप है क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हम देखना चाहते हैं और शायद हमें देखने को भी मिल जाए। होप सो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी चले जा रहे हैं, हालांकि हिम्मत नहीं है कि पैदल चल सके इतना, पर स्टिल अब तो टिकट ले ली, पैसे दे दिए, वसूल तो करके जाने हैं। कैमरे के अलग दिए। कैमरा तो यूज़ ही नहीं किया मैंने अब तक, पॉकेट में रखा है। तो गाइस फाइनली कुछ तो दिखा, स्नो लेपर्ड। ऊपर से बेटर रिव्यू आएगा, ऊपर चलते हैं। जिस साइड हम आ रहे थे वो आ गया डेड एंड। तो यहाँ तक की जो टॉर्चर हुआ टाप पैरों का, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? फिलहाल ब्रेक है, फिर जितना पैदल आए हैं उतना ही पैदल वापस जाना है, क्योंकि टाइगर देखना जरूरी है। बंगाल टाइगर बंगाल में आए और बंगाल टाइगर नहीं देखा तो क्या देगा? सही बात, बट मुझे नहीं लगता वर्थ है जू आना। नहीं, जू आना वर्थ नहीं, बट हाँ कि यू कैन टाइम पास के लिए आ सकते, कूल फोटोग्राफ्स और समथिंग। बट हाँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम एनिमल लवर हो, या तुम पहले कभी जू विज़िट नहीं किया हो दार्जिलिंग आए हो, तो डू विज़िट। बट चाहो तो और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं करने को, जो कर सकते हो। बट हाँ, म्यूज़ियम भी है अंदर, बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है यहाँ पे जू के अंदर ही। अगर तो सामने अभी कैमरा का डायरेक्शन चेंज करके दिखाता हूँ मैं, तो विज़िट कर सकते हो अगर चाहो तो। अभी 15 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है पैरों को आराम देने के लिए, उसके बाद वापस चलते हैं और दिखाते हैं आपको बंगाल टाइगर। ऑलराइट, सो दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। कल 3:30 के अराउंड होटल वापस आ गए थे, बट हालत कैसी हो गई थी उत्कर्ष बताएगा, जिससे ब्लॉग ये एंड नहीं हो पाया। हालत ये थी कि सब थक चुके थे बहुत ज़्यादा आए और बस सो गए सब। रात को एक बार उठे, डिनर किया और वापस से फिर सो गए। अभी 7 बज रहे हैं और आज हमें निकलना है गैंगटॉक के लिए। अगर आप ये पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं, पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे, तो आपको बता दें अभी हमें दार्जिलिंग में, हम यहाँ 23 को आए थे, तो 2 दिन हो गए, आज हमारा 3rd डे है यहाँ पे। तो आज हम चेकआउट कर रहे हैं और मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। हाँ, टुडे इज 25 दिसंबर, सो वेरी मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। पता नहीं ब्लॉग कब पोस्ट होगा, बट जब भी हो मैरी क्रिसमस टू ऑल। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर 2 दिन को हम एक साथ मर्ज कर देंगे, क्योंकि कल वाले जो ब्लॉग है, ये जो करंट ब्लॉग है, इसमें हमने पूरा दार्जिलिंग एक्सप्लोर किया, जो भी पॉइंट्स थे तो वो हमने एक्सप्लोर किए हैं, तो वो सारे इस ब्लॉग में आपको मिलेंगे। तो ब्लॉग एंड तक ऑब्वियसली, अगर यहाँ तक देख रहे हैं आप तो ब्लॉग ऑब्वियसली आपने एंड तक देखा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना। टिल देन मिलते हैं, बाय बाय।